नमस्कार, AKS विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं हूँ शुभ्रा। विश्वविद्यालय में भारतवर्ष की प्रखर वक्ता व पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि प्रदान की गई। उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर वीडियोज दिखाए गए। अंत में उन्हें आत्मिक शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखते हुए आदरांजलि प्रदान की गई। कंप्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो, हम टॉकिंग कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो एक विडंबना खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कंप्यूटर नहीं आता और जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आता। इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तव्य की पुष्टि मत करनी चाहिए। साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बने। और उस समय जब हमारे सामने ये बोझ आकर के खड़ा हो, ये विषय आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए, तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी कहे ये लीजिए हम देते हैं जो संस्कृत के भी ज्ञाता है और कंप्यूटर के भी ज्ञाता है। क्योंकि अथाह भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं। आज भी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे उदार चिंता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। ये संस्कृत जानने वाले की सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरी पृथ्वी को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम्। विश्वविद्यालय की खबरों फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप रहना चाहते हैं विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अपडेट, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब